अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको रमज़ान मुबारक का बरकतों रहमतों वाला महीना मुबारक हो। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम अपनी कैट के पास आए हैं, अपनी कैट दिखाएंगे। दोस्तों ये मेरी एला है, एला बीबी है और ये काफ़ी अग्रेसिव हुई है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, नियरली बस ऐसे लगता था कि ये मर जाएगी, इसकी डेथ हो जानी है, बहुत ज़्यादा ये बीमार थी। हमने इसका पीरियड करवाया, अभी इसके बारे में बताते हैं बाद में कि किस तरह इसका पीरियड करवाया, क्या हुआ इसके साथ। अभी आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ और बहुत बड़ा सरप्राइज है, अभी आपको दिखाते हैं। तो सरप्राइज जो है इस डिब्बे में है, अभी हम आपको सरप्राइज देते हैं। तो दिखा देते हैं, चलिए आए आपको अपना सरप्राइज दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारी ब्राउनी है, ये ब्राउनी है, ब्राउनी का आपको पता होगा ये वाइटी की सिस्टर है, वाइटी जिसके पहले बेबीज हुए थे। अब माशाल्लाह से हमारी ब्राउनी ने बेबीज दे दी हैं और बहुत ही क्यूट है, बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह इसके 7 बेबी हैं, 7 बेबीज ने दिए हैं ब्राउनी ने। ये मेरा बहुत प्यारा बेबी है, ये ज़रा भी अग्रेसिव नहीं होती, इसके हम बेबीज़ को पकड़ते हैं, खेलते हैं उनके साथ। तो चले आए आपको ब्राउनी के बेबीज दिखाते हैं। दोस्तों ये ब्राउनी के बेबीज़ हैं, 7 बेबीज़ हैं माशाल्लाह से, 1 by 1 करके आपको निकाल के दिखाते हैं। माशाल्लाह इसने 7 बेबी दिए हैं और मज़े की बात है सारे के सारे हेल्दी वेल्दी फिट फाट माशाल्लाह एक जैसे हैं, सारों की सेहत एक जैसी है, कोई भी इतना वीक नहीं है। एक लास्ट में इसने ब्राउनी ने बेबी दिया था वो थोड़ा सा वीक है, मगर वो भी इतना वीक नहीं है। माशाल्लाह से इसके बेबीज़ जो हैं जैसे बेबीज़ होते हैं 3 and 4 डेज़ के हैं और इतने खूबसूरत यानी कि फिट फाट है। और ये देखिए ये सो गया, अकेला रह गया, उसने समझा अकेला रह गया, इसको भी बाहर निकालते हैं, इनके साथ रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये ब्राउनी के बेबी हैं, 7 बेबीज़ दी हैं ब्राउनी ने। और ये दोस्तों इतनी केयरली है, ये अपनी जो सिस्टर थी ना वाइटी उसके बच्चों को इतना संभालती थी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इसको बेबीज़ दिए हैं और फर्स्ट टाइम में माशाल्लाह से 7 बेबीज़ अल्लाह ताला ने इसको दिए हैं। और ये बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का केयर करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये इनके पास से हिलती नहीं है, इनके पास बैठी रहती है। जो हमारी वाइटी थी ना वो तो निकल जाती थी, आगे पीछे चली जाती थी, घूमती थी जाके। और ये जब से इसने बच्चे दिए हैं इनके पास, मुझे नहीं लगता था कि ये इतना केयर करेगी अपने बच्चों का, जिस तरह ये बहुत शरारती था हमारा पेट और ये सुकून से बैठने वाला है ही नहीं था, ये भागता रहता था, कभी उधर चला गया कभी इवन कि ये तो लोगों के छत्ते फलांग के दूर, वाइटी जो है वो इतना नहीं करती है, दूर चले जाती है लोगों के छत्ते फलांगती है, ऐसा नहीं करती, मगर ये जो थी ये दूर लोगों के, इवन के जब इसने बेबीज़ देने थे उससे 3-4 दिन पहले तक ये छत्ते फलांगती रही, तो मुझे ऐसे लगता था कि 2 बेबीज़ दे देगी। जब इसके 2 बेबीज़ हो गए ना, मैंने कहा चलो एक और आने वाला है, एक और आ गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जब 5 हो गए ना मैंने कहा एंड हो गया। जब मैं नीचे इसके लिए दूध गर्म करके लेके आया हूँ, माशाल्लाह से 6 बेबीज़ हो गए थे और उसके बाद इसके 7 बेबीज़ हो गए थे। और ये देखिए माशाल्लाह अभी से माशाल्लाह बहुत एक्टिव है ये वाला, ये बहुत प्यारा है। और ये सारे ऑलमोस्ट सारों का फेस अपने फादर पे है, इनका फादर जो है मैनी है, मैनी साहब बाहर गए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, अभी उनको लेके आते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों भी ये बोल रहे हैं, म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, इनको भूख लगी है, इनकी मदर को देते हैं, वो भी थोड़ा सा परेशान हो रही है अपने बच्चों को ऐसे देखते हुए, बोलते हुए देख के परेशान हो रही है, इसको इनके पास ले जाते हैं, लगता है इन्होंने फीड करवानी है, फीड करनी है इन्होंने। और ये इनकी मदर के पास इसको रख दिया, अभी इनको फीड करवा देगी ये, माशाल्लाह बहुत प्यार करती है, बहुत केयर करती है। वो देखिए एक चला गया फीड करने, दूसरा चला गया, अभी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फीड किया हुआ है, वो का पेट बड़ा होगा इसीलिए वो नहीं जा रहे। तो इसके जिस बेबी को मैं हाथ लगाऊंगा ना थोड़ा सा, तो मेरे हाथ की स्मेल इसके अंदर जाएगी, ये फ़ौरन से उनको साफ़ करने लग जाती है, अपनी स्मेल देती है, उनको चाटती है और अपने बेबीज़ को अपना होने का एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। और ये इसके पास ही भाग भाग के जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे फिर ये हमारे साथ फ्रैंक हो जाएंगे, अभी इनकी तो आंखें भी नहीं खुली हैं, इनको अपनी मदर नज़र भी नहीं आती, लेकिन ये सेंस से अपनी मदर के पास चले जाते हैं। देखिए इनकी भी आंखें नहीं खुली, तकरीबन 13-14 दिन बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं, फिर इनको नज़र आना शुरू हो जाता है, मगर अभी तक ये अपनी सेंस के साथ जा रहे हैं।
उनके पास देखे कैसे अपनी फीट पॉइंट पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। ये देखे ये इधर रह गया था और ये देखे ये भी जाना शुरू हो गया, उसको पता चल गया सारे चले गए और ये छोटू जो है ये पीछे रह गया सारा। देखे माशाल्लाह कैसे उनको कवर कर लेती है अपने बेबीज को, सारों को फीड करवाती है। चले आए आपको ये फीड करेंगे, ये फीड करते रहेंगे हम आपको। एला का बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। मेरे से बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डरती है मेरे से, क्योंकि मैंने उसका ब्रेड करवाया था और मुझे देख के तो वो भागती है। घर में मैं आता हूँ और उसने कहीं ना कहीं छुप जाना है मुझे देखते, इतनी ज़्यादा वो मेरे से खौफज़दा हो गई है कि ये पता नहीं इसने मेरे साथ जुल्म किया जो, मगर उसके साथ जुल्म नहीं किया दोस्तों, उसकी बेहतरी के लिए किया था। तो ये फीड कर रहे हैं, मैं अभी एला को लेके आता हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एला है, इसका ब्रेड करवाया था तो इसके लिए देखें बाल नीचे से उन्होंने काट दिए, मैंने सारे बाल काट दिए हैं इसका। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से एग्रेसिव हो जाती है, मेरे से डरती है और भाग जाती है मेरे से। अभी तो इसको मैं अपना दुश्मन नज़र आ रहा हूँ दोस्तों, इसके ना भाग गई है फिर से। चलिए अभी मैं नहीं को लेके आता हूँ, इनके फादर को बेबीज़ के, और उसको दिखाता हूँ दोस्तों। जो हमारे पहले बेबीज थे ना वाइटी के, वो हमने गिफ्ट कर दिए हैं। बहुत से दोस्त ऐसे थे जो हमसे मांगते थे कि हमें इनका एक बेबी दो, एक बेबी दो। ओवरऑल सारे जो थे वन बाय वन करके हमने सारे गिफ्ट कर दिए हैं दोस्तों। हमने अपने बेबीज उन फैमिलीज को गिफ्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, हमसे भी ज़्यादा तो उनकी केयर करते हैं, और माशाल्लाह हमें वीडियोज़ वगैरह भेजते हैं, देखते हैं हम। बहुत अच्छा उन्होंने उनको रखा हुआ है, बहुत प्यारा माहौल दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत लव करने वाले हैं, पेट लवर लोग हैं जिनको हमने वो गिफ्ट किए हैं। अदरवाइज़ ऐसे हम अपने पेट किसी को नहीं देते हैं पैसों की खातिर, या फिर किसी कोई बंदा ऐसा आता है जो कहता है यार मुझे दे दो, मगर वो केयर नहीं करता। पहले मैं देखता हूँ ये केयर कर लेगा तो फिर उसको अपना बेबीज दे देते हैं, हम पेट दे देते हैं ताकि वो इसका ख्याल करें, अच्छे से ख्याल करें और उनको अच्छे से रखें। चलें मैं अभी मैनी साहब को लेके आता हूँ और उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैनी साहब आजकल क्या कर रहे हैं और क्या एक्टिविटी है मैनी साहब की। तो मैनी साहब आ गए हैं, मैनी साहब भाई ढूंढ रहे हैं, मैनी साहब भाई ढूंढ रहे थे उसको, मैं भाई से उठा के ले गया दोस्तों। गली में चला जाता है, लोगों की छतें फलांगता है और किसी के पास तो आता नहीं है, किसी से पकड़ा नहीं जाता। हम इसको आवाज़ देते हैं, आ जाता है, अपना नाम सुनता है, मैनी कहते हैं, मैनी साहब आ जाते हैं। मैनी साहब बहुत मोटे दादे हैं माशाल्लाह, हमारे अच्छे ब्रीडर हैं, लेकिन हमने दोस्तों अब अपने पेट्स के नाम बेबीज नहीं लेने हैं। बस वाइटी भी कुछ दिन तक दोबारा से बेबीज दे देगी और ब्राउनी इसको हमने इनको इंजेक्शन लगा दिया करना है, अपने मेल बेबीज जो है ना, मेल पेट जो है इनको हमने इंजेक्शन करवा देना है ताकि ये फीमेल को वेट ना कर सके। और इनके बेबीज बस हमने इतने ही लेने हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने तकरीबन ब्राउनी ने पहले तो फर्स्ट टाइम बेबीज दिए हैं, वाइटी ने तीन मरतबा बेबीज दे दिए हैं और एला ने तो माशाल्लाह बहुत मरतबा बेबीज दिए हैं। और ये मैनी है ना, ये एला का बेबी है, ये भी ये एला का बेबी है, इसका एक भाई है। एलो जो है वो बाहर गए हुए हैं घूमने फिरने, वो भी आएंगे अपने मूड के साथ, सहरी के टाइम तकरीबन वो आ जाएंगे। अभी मैनी साहब भी कह रहे हैं मुझे छोड़ दो, ये बहुत प्यारे बेबी हैं हमारे दोस्तों। ये हमारी कैट है, ये बहुत ज़्यादा हमारे से लव करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, इनको हमने केयरली रखा हुआ है, कोशिश करते हैं जो इनकी ज़रूरियात है वो पूरी की जाए। इनको फीड वगैरह देते हैं, चिकन वगैरह देते हैं, सारा कुछ इनका प्रॉपर टाइम पे इनको देते हैं ताकि इनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ये भी बहुत देखें, ये जो बेबीज़ हैं ये झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ फीड के लिए, माशाल्लाह ज़्यादा है, झगड़ना बनता ही है, जो कोशिश करेगा वही ज़्यादा फीड ले सकेगा। बाकी बहुत खूबसूरत है और ब्राउनी माशाल्लाह बहुत केयर कर रही है अपने बेबीज़ की, बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्राउनी भी इतनी केयरली होगी दोस्तों। अभी इनको रख देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि ये अच्छी से अपने बेबीज़ को फीड करवा ले, और मैनी साहब जो है इनको बाहर भेज देता हूँ ताकि मैनी साहब घूम ले। ये देखिए मैनी साहब कह रहे हैं कि छोड़ दो मुझे, ये जो साइन दे रहा है ना मुझे, इसका मतलब यही है, मुझे प्यार से कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे घूमने दो। ये देखे जब ये दुम मारता है ना इस तरह पीछे से घुमाता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ से जाना है और मुझे छोड़ दो ताकि मैं घूमता रहूँ। अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ। चले मैनी बेबी,
चलिए इधर ही सो जाए। दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको हमारी कैट्स कैसी लगी हैं, और जो हमारी ब्राउनी के बेबीज हैं वो कैसे हैं, और हमारी ब्राउनी कैसी है, और ये मैनी साहब मेरे शहजादे ये कैसे हैं। अरे मैनी साहब भी सोने के मूड में है, मेरे ख्याल से सोएंगे नहीं, ये मुंबई जाएंगे। इनको भाई भेज देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ताकि ये घूम फिर आए सारी टाइम तक, फिर आके ये सो जाएगा, और फिर जब हम सैरी करके दोबारा नमाज अदा करके सुबह उठेंगे तब तक इनका फीड का टाइम हो जाएगा, फिर इनको फीड वगैरह डालेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।